हाय फ्रेंड्स, मैं मीना, मेरे किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे मूंगफली की चटनी। बहुत ही झटपट बनने वाली रेसिपी है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मूंगफली की चटनी बनाने की सामग्री है 150 ग्राम मूंगफली है जिसे हमने भून लिया है, 2 बड़ा चम्मच तेल, 6 कली लहसुन की, 2 चम्मच इमली है जिसे हमने भिगो लिया है, 1 पिंच हींग, 1 छोटी चम्मच रेड चिली पाउडर, 1 बड़ा चम्मच उड़द की दाल, 1 छोटी चम्मच राई या सरसों, 7 से 8 करी पत्ता, 1 छोटी चम्मच जीरा, नमक स्वाद के अनुसार। चलिए बनाना शुरू करते हैं मूंगफली की चटनी। पैन गरम हो गया है, तेल डालेंगे। तेल गरम हो गया है, लहसुन डालेंगे। लहसुन को हमने थोड़ी देर भून लिया है। भुनी हुई मूंगफली डालेंगे, मिलाएंगे। भुनी हुई मूंगफली है, इसे ज़्यादा देर नहीं भुनेंगे। मूंगफली को हमने अच्छे से मिला लिया है। अब हम गैस को बंद करेंगे। लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे, नमक स्वाद के अनुसार डालेंगे, इमली डालेंगे, सारे सामग्री को हमने अच्छे से मिला लिया है। अब हम इसे थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रखेंगे, उसके बाद में हम पानी डालकर पीस लेंगे। सारे सामग्री को हमने मिक्सी के बर्तन में निकाल लिया है। अब हम इसे थोड़ा थोड़ा पानी डालकर पीसेंगे, एक साथ ज़्यादा पानी डालकर नहीं पीसना है। मूंगफली को हमने दरदरा पीस लिया है। पैन गरम हो गया है, तेल डालेंगे। तड़का लगाने के लिए हमने तेल को अच्छे से गरम कर लिया है। राई डालेंगे, जीरा डालेंगे, उड़द की दाल डालेंगे। उड़द की दाल को ब्राउन होने तक पकाएंगे। गैस की आंच को धीमी रखेंगे। दाल को हमने ब्राउन होने तक पका लिया है। हींग डालेंगे, करी पत्ता डालेंगे, मिलाएंगे। तड़का हमारा तैयार है। गैस को बंद करेंगे और ठंडा होने के बाद मिक्सी के बर्तन में डालकर पीस लेंगे। तड़के को हमने पीस लिया है। पीसे हुए तड़के को हम चटनी में मिला देंगे। पीसे हुए तड़के को हम अच्छे से मिला लेंगे। मूंगफली की चटपटी और स्वादिष्ट चटनी बनकर तैयार है। बहुत ही अच्छी रेसिपी बनी है। इस रेसिपी को आप बनाइए और इडली डोसा के साथ खाइए। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप मेरे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फेसबुक पेज की लिंक दी गई है। चलिए मिलते हैं अगले रेसिपी के साथ। धन्यवाद।